समझौता कर लो और पैसे ले लो और ये ले लो, सरकार भी आपके बाद सरकार भी आपको देगी पैसा, सरकार भी देगी, सरकार ने सिस्टम बना रखा है कि ऐसा जब भी केस होगा तो देगा, आपको सारे की पैसा मिलेगा। मैं देखा उनके तो लड़की बेहोश पड़ी थी और फिर हमें बिल्ली के बच्चे के बहाने से अंदर बुला लिया लड़के को, उसके साथ में बदतमीजी करी और क्या कहना है। वो लड़का इधर से गेट, मैं उधर से गेट से आई थी, इधर से वो निकल के भाग गया इस गेट से। तो फिर क्या किया तुमने? मैंने फिर लड़की को वहाँ ले गए डॉक्टर की दुकान पर, तुमने दिखाया तो उन्होंने दवाई ववाई दे दी, फिर घर पर आ गए, फिर डराया धमकाया, फिर रिपोर्ट वपोर्ट करवाने को मना कर दी। मना कर दी थाने से रिपोर्ट लिखने को? क्यों, क्या कह दिया? डरा दिया था कि ऐसे कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसे मार देंगे। जहाँ तक पुलिस कार्रवाई का संबंध है, जो कठोरतम कार्रवाई होगी प्रावधानों के तहत, चूँकि बच्चे जो आरोपी है, मुलजिम है, वो नाबालिग है, जुवेनाइल है, लेकिन विद इन द फ्रेम ऑफ लॉ जो मैक्सिमम कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी। समुचित सुरक्षा परिवार को दी गई है, कहीं कॉम्प्रोमाइज़ की बात नहीं है और इसको अंतिम मुकाम तक हम लेके जाएंगे। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो सजा के प्रावधान है, जो रिसेंट अमेंडमेंट्स भी हैं पॉक्सो एक्ट में, उसके तहत जो मैक्सिमम सजा होगी वो कराई जाएगी। हमारे लिए एक चैलेंज है और परिवार हमारे विश्वास में है और हमारी ओर से कार्रवाई में कहीं कोई कमी नहीं।